सुनील कुमार प्रसाद, अपने यूट्यूब चैनल सुनील कुमार प्रसाद में स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th के मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला चैप्टर जिसका नाम है समुच्चय यानी कि सेक्शन। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा नंबर के बारे में। नंबर के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा अर्थात संख्या के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ नंबर्स पढ़ेंगे। जैसे कि सबसे पहला आप सभी जानते होंगेगा कि प्राकृत संख्या होती है। प्राकृत संख्या में क्या होगा, तो जो गिनती की संख्या होती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सीधा बात करें तो गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती हम लोग कहां से स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग गिनती जो काउंट जो होता है एक से स्टार्ट करते हैं। तो एक दो तीन चार इत्यादि, ये सबकी सब क्या हो गया, प्राकृत संख्या हो गया। जैसे दो में क्या है, तो पूर्ण संख्या। ये पूर्ण संख्या क्या होती है, तो जब प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल कर ली जाती है तो उसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकती है। जैसे गिनती की संख्या तो हम लोग जान गए कि प्राकृत संख्या कहते हैं, तो प्राकृत संख्या वो 1, 2, 3 इत्यादि। इसमें हमने क्या किया कि शून्य को शामिल कर दिया, अब यह जाकर बन गया पूर्ण संख्या। अब कोई बोलेगा कि सर जी क्या हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाला, तो क्या कभी भी हम माइनस में कभी गिनती करते हैं क्या, कि -1, -2 ऐसे गिनती ही नहीं करते हैं, तो कभी भी पूर्ण संख्या माइनस में नहीं लिखी जा सकती है। अब है तीसरा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक कहने का अर्थ हुआ पूर्ण अंक, यानी कि पूरा जो अंक होगा उसे हम पूर्णांक कहेंगे। पूर्णांक संख्या निगेटिव या पॉजिटिव दोनों संख्या हो सकती, चाहे वह निगेटिव संख्या हो या पॉजिटिव संख्या हो, तो दोनों के दोनों संख्या जो होगा पूर्णांक संख्या में ही आएगा। जैसे -10, -9, -8, 0, 1, 2, 3 इत्यादि। अर्थात कि जो माइनस वाला है, प्लस वाला है और शून्य है, ये सब जब संख्या मिलेगा तो उसे हम कहेंगे पूर्णांक संख्या। क्या कहेंगे, पूर्णांक संख्या कहेंगे। अब है अगला है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। वास्तविक संख्या तो वास्तविक संख्या क्या होती है, रियल नंबर। दुनिया में कोई भी नंबर है वो एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या दो संख्याओं से मिलकर बने होते हैं, यानी कि दो संख्याओं के समुच्चय जो होता है अर्थात कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो समुच्चय होता है उसे हम कहते हैं वास्तविक संख्या। अब यहाँ पे है बात कि हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो हम परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जिस संख्या को हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं वे सारी संख्या को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2 है, 1 है, 2 है, 22/7 है, इटीसी है। आप कहिएगा कि सर जी इसको तो बटा में नहीं लिखे, तो बटा में है ना, क्योंकि सभी के जो नीचे होता है एक छुपा हुआ होता है, इसलिए यह हो गया परिमेय संख्या। तो याद रखना चाहिए कि जिस संख्या को हम पी बाय क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे वास्तव परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या का सबसे अच्छा रोल है कि p / q तो लिखते करेंगे, लेकिन q कभी भी q not equal 0, q कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। अब अगली संख्या हम लिखते हैं, ये संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो जिस संख्या को हम p / q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या। अब यह क्या होगा, ये संख्या रूट के अंदर बंद होता है। जैसे √2, √3, √3/2, ये सबके सब जो है एक
अपरिमेय संख्या है। अब कहेगी सर जी ये तो बटा में है ना, तो सर जी ये बटा में तो है लेकिन इसका कभी भी पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकाली जा सकती है। तो हमें यह भी याद रखना है कि संख्या यदि रूट के अंदर हो और उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाली जा सकती है तो उसे हम कहेंगे अपरिमेय संख्या कहेंगे। यह क्लियर हुआ वास्तविक संख्या। तो ये भी याद रखना है कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है लेकिन सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों होती है। अब यहां पे देखा जाए अगली संख्या है भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? तो वे सारी संख्या जो एक और अपने आप को छोड़कर और भी किसी संख्या से डिवाइड हो जाए अर्थात भाग लग जाए उसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। क्या बोले हम कि जिस संख्या को एक और अपने आप को छोड़कर और भी किसी संख्या से भाग देने पर भाग लग जाए उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे फोर सिक्स एट नाइन टेन, ये सबके सब भाज्य संख्या है। अभी भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि यहां देखा जाए जो चार है वह किससे किससे लगता है? तो यह लगता है एक से लगता है, दो से लगता है और चार से लगता है। यही तो अभी डिफिनेशन बोला था कि एक और अपने आप को छोड़कर और भी किसी संख्या से भाग लग जाए तो उसे हम कहेंगे भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। किसी को हम यौगिक संख्या भी कहते हैं, यौगिक संख्या भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे छह के बारे में मालूम किया जाए तो छह क्या होगा? तो वन टू थ्री एंड सिक्स, जो चारों से क्या होगा छह में भाग लग जाता है, इसलिए है भाज्य संख्या या यौगिक संख्या है। अब आठ, आठ का क्या है? तो वन टू फोर एट, ये सबसे भाग लग रहा है, ये है भाज्य संख्या। अब एक बात करोगे सर जी दो क्यों नहीं है? तो दो नहीं है क्यों? क्योंकि यह एक और दो से लगता है, यह एक और अपने आप को छोड़कर और किसी संख्या से नहीं लगता है, इसलिए यह एक भाज्य संख्या नहीं है, भाज्य संख्या नहीं है। यह हो गया भाज्य संख्या या यौगिक संख्या। अब अगली संख्या देखा जाए अभाज्य संख्या, या इसी को कहते हैं रूढ़ संख्या। अब यह रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या क्या होती है? तो वे सारी संख्या जिसको एक और अपने आप को छोड़कर और भी किसी संख्या से भाग ना लगे उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या। यहाँ पे बात किया जाए टू का, थ्री का, फाइव का, सेवन का, इलेवन का, थर्टीन का, ये सब जो संख्या है एक और स्वयं को छोड़कर और किसी भी संख्या से नहीं लग रहा है, इसीलिए यह सबके सब है अभाज्य संख्या। देखा जाए यहाँ पे दो जो है एक और दो से डिवाइड हो रहा है, थ्री जो है वन और थ्री से डिवाइड हो रहा है, फाइव जो है वन और फाइव से डिवाइड हो रहा है, सेवन जो है वन और सेवन से डिवाइड हो रहा है, इलेवन जो है वन और इलेवन से डिवाइड हो रहा है और थर्टीन जो है वन और थर्टीन से डिवाइड हो रहा है। ये हो गया अभाज्य संख्या या रूट संख्या। तो अभाज्य या रूट संख्या याद रहेगा कि जो संख्या एक और स्वयं को छोड़कर और किसी संख्या से डिवाइड ना हो उसे हम कहेंगे अभाज्य या रूट संख्या। अब अगली संख्या देखते हैं इधर सम संख्या। सबको ये मालूम होता है कि सम संख्या क्या होता है? तो वे सारी संख्या जिसको दो से भाग देने पर पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए उसे हम सम संख्या कहेंगे। जैसे दो चार छ आठ दस इटीसी, ये सबके सब जो है दो से डिवाइड हो जा रहा है, भाग लग जा रहा है, इसलिए इस संख्या को हम कहेंगे सम संख्या। अब है अगली संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या में क्या हो जाएगा? तो जिस संख्या को दो से भाग देने पर
पूर्ण रूप से डिवाइड ना हो उसे कहेंगे हम विषम संख्या। विषम संख्या में क्या हो जाएगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 इट इज, ये सबके सब जो है विषम संख्या। और विषम संख्या और सम संख्या की पहचान कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल तरीका है कि जो सम संख्या होता है, सम संख्या के इकाई स्थान पर 2, 4, 6, 8 या 0 होता है। इकाई स्थान कहने का अर्थ क्या हुआ, दो ऐसे लिखा हुआ है तो यह हो गया इकाई अंक हो गया, एक क्या हो गया इकाई अंक हो गया। तो इकाई अंक पर जब 2, 4, 6, 8 या 0 रहे तो सम संख्या होगा। या विषम संख्या के लिए अगर बात किया जाए कि विषम संख्या की पहचान कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है विषम संख्या की पहचान करने की विधि, ठीक है क्या है, तो हम ऐसे कहेंगे कि विषम संख्या के इकाई स्थान पर 1, 3, 5, 7 या 9 होगा। जब इकाई स्थान पर इसमें से कोई भी संख्या होगा तो उसे हम कहेंगे विषम संख्या। तो ये था आपका नंबर के बारे में पूरी जानकारी।